विराट कोहली जो अपना 7 मैच में 75 रन मारा था, वो लास्ट मैच में 76 रन मार दिया। वो हार्दिक पांड्या का जो पहले बॉल में क्लासन का विकेट सबसे पहला, उसका दूसरा तो जो सूर्य कुमार यादव ने जो कैच पकड़ा वो सबसे बेहतरीन था। बहुत ताबड़तोड़ छक्के लगाए, हर दिशा में मारे थे, हमारे रूह कांप गई थी वो उस मोमेंट को देख के कि इतने बड़े बड़े छक्के। क्लासन वो जो बिग प्लेयर जो सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से खेलते हुए दिखाए थे IPL में, वही सीन दिखा था, सेम टू सेम। सूर्य कुमार यादव ने तो पूरा गेम की बाजी ही पलट दी। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच शानदार मुकाबला खेला गया, जहां भारत ने रोमांचक मुकाबले में साउथ अफ्रीका को 7 रनों से हरा दिया और दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया। 17 सालों के बाद जो है भारत ने इस खिताब को अपने नाम किया है। इसको लेकर राजधानी रांची के साथ साथ पूरे विश्व भर में जश्न का माहौल है। क्रिकेट प्रशंसक के साथ साथ तमाम जो लोग हैं जो कि क्रिकेट को देखते हैं, क्रिकेट को पसंद करते हैं, वो जश्न मना रहे हैं और खुशी का माहौल है। इसको लेकर हम राजधानी रांची के विभिन्न लोगों के बीच जाएंगे और उनसे प्रतिक्रिया लेंगे कि उन्हें इस मैच में क्या कुछ अच्छा लगा, क्या कुछ ऐसा मोमेंट था जो उनका मोमेंट बना और कौन सा ऐसा पल था जहां पे उन्हें लग रहा था कि टीम इंडिया जीत सकती है या फिर हार सकती है। बहुत अच्छा लगा, हम लोग के लिए बहुत प्राउड मोमेंट था। हम लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेट भी किए हैं। हम रहते हैं यहाँ फिरायलाल पे, तो फिरायलाल पे सब अगर हाँ सब कोई नाचे गाए चीयर किए और सबसे मज़ा सबसे अच्छा ये लगा कि जितने जो लोग को हम लोग जान भी नहीं रहे थे वो लोग आके हम लोग से हाथ मिला रहे थे, गले मिल रहे थे, चीयर कर रहे थे इंडिया के लिए। कौन सा मोमेंट ऐसा लगा मैच में, टर्निंग पॉइंट? टर्निंग पॉइंट तो दो तीन था। एक था सबसे पहले सूर्या का वो कैच, फिर विराट कोहली का लास्ट में वो बैटिंग जो कि स्टार्टिंग में उससे बन नहीं रहा था रन, लेकिन लास्ट का कुछ ओवर में 2-3 छक्का मारा तो उसके वजह से। फिर अक्षर पटेल भी बीच में अच्छा बैटिंग किया, शिवम दुबे भी अच्छा स्ट्राइक रेट से बैटिंग किया और उसके बाद फिर बुमराह तो हमारा था ये लास्ट के लिए बुमराह, और हार्दिक पांड्या भी था एग्जैक्ट टाइम पे, हेनरी क्लासन का विकेट ले लिया था उसके वजह से भी हुआ। परफॉर्मेंस वाइज कहे अगर 11 प्लेयर्स का तो कैसे आंकेंगे और कितना नंबर देंगे सभी को और कैसे लगेगा? 10 out of 10, क्योंकि जीता है तो पूरा टीम के वजह से जीता है, क्योंकि इससे पहले सेमीफाइनल और उससे पहले भी रोहित शर्मा मार रहा था अकेले, लेकिन ये फाइनल में वो नहीं मार पाया था, लेकिन विराट कोहली पूरा टूर्नामेंट में नहीं चला था लेकिन वो फाइनल में मारा, और शिवम दुबे भी मारा, अक्षर पटेल को भी स्टार्टिंग में भेजा तो वो भी मारा। फिर बॉलिंग तो हम लोग का अच्छा ही था, स्पिन हम लोग का अच्छे से नहीं चला लेकिन फिर फास्ट बॉलिंग हम लोग का अच्छे से चल गया था। धोनी के बाद रोहित शर्मा कारनामा करने वाले कैप्टन बना, धोनी का शहर भी है, क्या कुछ कहेंगे? धोनी का शहर है, इसके लिए क्या कहेंगे? प्राउड मोमेंट, हाँ प्राउड मोमेंट तो है हम लोग के लिए, झारखंड के लिए ही मेन प्राउड मोमेंट है। जैसे हम लोग का सबको तो जानता ही था धोनी के वजह से, लेकिन अब वर्ल्ड कप जीत गया है तो और अच्छे से जानेगा, ऊपर से 7 रन से जीता था तो थाला पर रीजन होगी। वो हार्दिक पांड्या का जो पहले बॉल में क्लासन का विकेट सबसे पहला, उसका दूसरा तो जो सूर्य कुमार यादव ने जो कैच पकड़ा वो सबसे बेहतरीन था, वहीं से मैच हमारा पलटा। उसके बाद हार्दिक पांड्या का जो परफॉर्मेंस, आज तक हार्दिक पांड्या को IPL में बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया था बट उन्होंने दिखाया कि एक बेहतरीन ऑलराउंडर क्या कर सकता है और एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी एक बड़े टूर्नामेंट में क्या कर सकता है। तो बस यही सब चीज़ था जिसके चलते भारत आज चैंपियन बना है। और कहाँ लग रहा था कि टीम इंडिया हार सकती है और कहाँ लगा कि जीतने पर आ गए? वो ओवर जो अक्षर पटेल का था जिसमें अक्षर पटेल ने लगभग 24 रन दिए, जिसमें क्लासन ने बहुत ताबड़तोड़ छक्के लगाए, हर दिशा में मारे थे, हमारे रूह कांप गई थी वो उस मोमेंट को देख के कि इतने बड़े बड़े छक्के। क्लासन वो जो बिग प्लेयर जो सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से खेलते हुए दिखाए थे IPL में, वही सीन दिखा था सेम टू सेम। बट उसके बाद उसके अगले ओवर में जब हार्दिक पांड्या आए और पहली बॉल पे जो विकेट लेके गए उससे मैच का टर्निंग पॉइंट थोड़ा सा मोमेंट बदला, बट अंतिम जो आया आपका बुमराह का ओवर जिसमें 1 रन गया, उसके बाद लास्ट ओवर के पहली गेंद पे जो सूर्य कुमार का कैच, ये मैच के लिए सबसे ज़्यादा टर्निंग पॉइंट था। पूरे अगर 11 प्लेयर्स की अगर आके तो हाँ रैंक देंगे और किसका परफॉर्मेंस सबसे अच्छा लगा पूरे ओवर? कल की मैच की बात करें तो
विराट कोहली, सबने ट्रोल किया होगा कि बॉल टू बॉल रन बॉल खेल रहे थे, बट एक अकॉर्डिंग टू मैच, अगर आप बड़े मैच में खेलते हैं तो आपको अपना पेशेंस दिखाना पड़ता है, आपको मैच के हिसाब से खेलना पड़ता है, क्योंकि बिग मैच होता है, बिग लेवल पे आप खेलते हैं, मैच का प्रेशर होता है, लोगों को बहुत को लगा होगा कि ये बहुत स्लो खेल रहे हैं, पूरे टूर्नामेंट में फ्लॉप थे, बट कल उन्होंने दिखाया कि एक लीजेंड क्या कर सकता है, ये यूं ही हम विराट को किंग नहीं बोलते हैं। हमें तो ऐसे बहुत अच्छा लगा, लास्ट में बहुत ज़्यादा सस्पेंस बन गया था कि शायद इंडिया ना जीते, लेकिन लास्ट में सूर्य कुमार यादव ने जो अपना जो लास्ट बॉल कैच किया उसके बाद पूरा मैच जो पलट गया, जो हमें उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसके वजह से जब लास्ट में जब ऐसा हुआ तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई, और इतने सालों के बाद हमारा इंडिया जीता है तो इसे हमें बहुत प्राउड महसूस हो रहा है। अगर ऐसे पूरे टूर्नामेंट के बोले तो सूर्य कुमार यादव ने तो पूरा गेम की बाजी ही पलट दी, तो मेरे हिसाब से तो वही शेर है। पहला जो मैच का टारगेट मिला 177 का, उसमें लगा कि इंडिया अभी प्लस पॉइंट पे है, चांस है इंडिया को जीतेगा, मगर 15 ओवर के बाद ऐसा लगा कि क्लासन जो खेला अपना 30 बॉल पे 52 रन, उस हिसाब से लगा कि वेस्ट इंडीज ए का बोल साउथ अफ्रीका जो अपना पोजीशन पे है अपना खेलेगा अच्छा, मगर 16वां ओवर जब जसप्रीत बुमराह आता है तो ऐसा लग रहा था इसी मैच में कुछ टर्निंग पॉइंट बनेगा। क्लासन का जो विकेट मिला हार्दिक पांड्या का बॉल में वो अच्छा है, लास्ट ओवर का पहला बॉल में हार्दिक पांड्या जो डेविड मिलर का कैच सूर्य कुमार यादव जो लिया बाउंड्री में वहीं पर टर्निंग पॉइंट हुआ है मैच का। 16 ओवर T20 गेम में एक तरह से लगता है कि बन भी जाएगा, एक तरह से लगता है डिफेंड भी हो जाएगा, टर्निंग पॉइंट वहीं पर हमको ऐसा लगा कि टर्निंग पॉइंट था। सबसे अच्छा परफॉर्मेंस बैटिंग में देखा जाए तो रोहित शर्मा का था, बॉलिंग में देखा जाए तो जसप्रीत बुमराह का था जो अपना 4 का औसत से बॉलिंग किया गया, और अक्षय को बोल सकते हैं, विराट कोहली जो अपना 7 मैच में 75 रन मारा था वो लास्ट मैच में 76 रन मार दिया, उसको भी देखा जाएगा। विराट कोहली का अपना लास्ट मैच था उसका T20 का, रोहित शर्मा का लास्ट मैच था जो रिटायर हो गया दोनों, उसको बोलना चाहेंगे अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा। इंडिया का 14 साल के मतलब 13 साल के बाद अपना ट्रॉफी ले आया, वही अच्छा देखा। पहला अपना खेला था रोहित शर्मा T20 आए धोनी का कप्तानी में, और अपना लास्ट अपना कप्तानी में खेला, वही बोलना चाहिए, जीत भी लिया बहुत बढ़िया से। देखिए कल का मैच तो स्टार्टिंग से देखते देखते बीच में ऐसा लगा कि बस अब और मैच देखना ही नहीं है, पूरा मूड ही खराब हो गया था, बट आखिर में वाओ क्या कहना, इनक्रेडिबल। फिर लास्ट में तो एकदम मूवमेंट ही चेंज हो गया, मतलब जो उम्मीद ही नहीं था कि इंडिया जीत भी सकता है, उस फाइनली इतने रील में स्क्रोल्स चल रहे थे कि नज़र ना लगे एंड फाइनली नज़र नहीं लगा एंड इंडिया जीत गया, ये तो बस प्राउड मोमेंट है। लास्ट मोमेंट तक देख रहे थे कि लाइक मतलब अच्छा वो लोग कर रहा है, साउथ अफ्रीका अच्छा खेल रहा है एंड स्कोर लगभग वो कवर कर ही चुके थे, और जब देखा कि बस 3 बॉल में 11 रन तो फिर तो लगा अब जीत ही गए, पर उस वक्त बस फील हो गया था कि अब जीत ही गए। टर्निंग पॉइंट क्या था मैच? बस वही लास्ट जो सूर्या यादव ने कैच किया। देखिए पूरा मैच को लेकर देखिए, पहला तो इंडिया को सपोर्ट करना बहुत जरूरी था, क्योंकि 2000 इधर जो पिछले वर्ल्ड कप में जो हारे हैं ऑस्ट्रेलिया से उसके बाद, और यहाँ विराट कोहली का परफॉर्मेंस तो पिछले पूरा मैच में पूरा खराब चल रहा था, सब ट्रोल कर रहे थे, लेकिन बड़ा प्लेयर वही है जो बड़ा मैच में बड़ा परफॉर्मेंस दे, और कोहली ने ये दिखाया, और ऊपर से फिर हार्दिक पांड्या जो थे उनका जो ओवर था स्पेशल ओवर था लास्ट ओवर, वो बहुत बड़ा मोमेंट होता है क्रिकेटर के लिए, लास्ट ओवर में बॉलिंग करना, वहाँ एक बाउंड्री पे शानदार कैच, वहाँ लगा नहीं था कि वहाँ कैच हो पाएगा, लेकिन सूर्य कुमार यादव का जो पेशेंस था कैच को लेकर के वो दिखाना, प्रेजेंस ऑफ माइंड वो था, और सभी प्लेयर बहुत अच्छे खेले, रोहित शर्मा के सेमीफाइनल में परफॉर्मेंस करना उधर से लेके इधर नहीं चले वो अलग बात है, मैच तो फंसा हुआ था, 3rd ओवर में ही फंस गया था मैच इंडिया को, लेकिन फिर वापसी किया। अक्षर पटेल का परफॉर्मेंस बहुत शानदार था, सबने मिलके बहुत बहुत बढ़िया क्रिकेट खेला। कहाँ लग रहा था कि टीम हार जाएगी और कहाँ पर लगा कि टीम अब जीत सकती?
देखिए मैच हारने का था वहाँ, जहाँ ये क्लासेन जो 24 रन मार दिए अक्षर पटेल को वहाँ पे, और फिर जो बुमराह का स्पेशल ओवर जो आया, 2 रन का ओवर दिया उसने, 2-4 रन का जो भी, उसके बाद फिर पांड्या आए, क्लासेन को का विकेट लिए, फिर लास्ट में आके फिर डेविड मिलर का जो कैच, बस यही था। मैच तो ज़्यादा बहुत बहुत से बहुत अच्छा था मैच। मेन टर्निंग पॉइंट था 16वां ओवर से, 16वां ओवर में जो हार्दिक पांड्या ने जो क्लासेन को आउट किया वो सबसे इम्पोर्टेंट विकेट था। वहाँ पे लगा कि अब मैच इंडिया के हाथ में है। और फिर जब हार्दिक पांड्या 1 विकेट लेके 4 रन जो दिए वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। उसके बाद जसप्रीत बुमराह आए, वो 1 ओवर में 2 रन दिए, 2 रन दिए, तो अब तो लगा कि पूरा मैच मेरे हाथ में है। फिर जब 19वां ओवर आया अर्शदीप का, भी 2 ओवर में चाहिए था 20 रन चाहिए था, तो अब लगा कि इंडिया पूरा अपने हाथ में ले लिया है। जब 19वां ओवर में 4 रन आया तो पूरा शिकंजा कस गया इंडिया का। और जब हार्दिक पांड्या लास्ट स्पेल डालने आए तो वहाँ पे आपका पहला बॉल पे ही विकेट लिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट था डेविड मिलर को आउट करना। वो सूर्य कुमार यादव बहुत सहयोग किए विकेट लेने के लिए, जो पूरा कैच बाउंड्री पर ही लिए, वो दिल खुश कर दिए सूर्य कुमार यादव ने। और सबसे टर्निंग पॉइंट तो हार्दिक पांड्या का ही था जो विकेट लिए क्लासेन का, और नेक्स्ट में सूर्य कुमार यादव का योगदान था विकेट लेने के लिए। कल का मैच तो अच्छा था, किसी को उम्मीद नहीं था जीतने का, लेकिन टर्निंग पॉइंट बहुत अच्छा था, वो भी लास्ट में। और हम लोग का इंडिया लगभग 13 साल के बाद जीता, और ये सभी के लिए बहुत खुशी का माहौल था। और टर्निंग पॉइंट आई गेस सूर्य कुमार यादव के वजह से ही था। बहुत ही बढ़िया लगा हमको टर्निंग पॉइंट, क्या बोले, विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों का कॉन्फिडेंट लेवल और पूरा भारतीय का साथ था, ये सबसे बढ़िया। और ये बहुत ही एक प्राउड वाला मोमेंट था कि साउथ अफ्रीका जैसे बड़े शक्तिशाली टीम को हरा दिया। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल इंडिया एंड मी ऑल्सो, थैंक यू। ऐसा तो देखिए डिटेल में तो हम भी कंटिन्यू, क्योंकि ऑफिस से पूरा क्लियरली नहीं देखे, सॉरी। तो जो जो मोमेंट देखे हैं उसमें से एक बहुत ही बढ़िया शानदार कैच है जो बार बार दिमाग में आ रहा, आई थिंक सूर्य कुमार यादव मस्त कैच लिया, जो कि बाउंड्री 6 था, बट उसको ऐसे रोक के जो आउट किया, मस्त, माइंड ब्लोइंग, मैंने एक जीत के लिए वो टर्निंग पॉइंट बोल सकते हैं मेरे एंगल से। पूरा मैच देख पाते तो और एंजॉय कर लेते, लेकिन पूरा मैच चलो ऑफिस काम वाम की वजह से कहीं फंस गए थे, जिस वजह से नहीं देख पाए, बट पूरा जितना भी देखे पूरा फुल एंजॉय। देखिए कल का मैच तो जैसा रहा सबको पता ही है, अप एंड डाउन। लास्ट का चार ओवर से पहले तो लगा कि हम लोग हार ही जाएंगे, लेकिन फिर जो ओवर आया बुमराह का 2 ओवर, फिर मैच पलट गया, हमारे पक्ष में आ गया, मजा आया देख करके। फाइनल तो ऐसा ही होना चाहिए। बुमराह बैट्समैन तो बहुत आया इंडिया में, लेकिन बुमराह जैसा बॉलर हमको लगता है दोबारा आएगा। उसका बॉलिंग के लिए मैच देखे हम लोग, वही बुमराह का बॉलिंग और हार्दिक पांड्या का बॉलिंग, उसका बॉलिंग देखने के लिए लगता है जब तक उसका स्पेल बचा रहता है लगता है मैच जिंदा है। हाँ, अच्छा कप्तानी की है, और सबसे अच्छा बात रहा कि जब टॉप पे रहा पी के यानी वर्ल्ड कप जीता, उसमें रिटायरमेंट ले लिए, यानी कि पाकिस्तान के जैसा नहीं हुआ हमारे यहाँ कि जब टॉप पर रहा तब। कुल मिला के बहुत मजा आया, T20 फाइनल वैसा होना चाहिए था जैसा हुआ, बहुत मजा आया देख। अमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च और इनोवेशन और के कल्चर को बढ़ावा देती है, और यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 1000 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 100 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। 26 से अधिक पेटेंट पब्लिश्ड हुए हैं और 3 पेटेंट ग्रांट भी हो चुके हैं। और यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट 100 से अधिक किताबें पब्लिश भी कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, और इसलिए अमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेजॉन, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन और जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गया है।
यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निशार अख्तर को अमेजोन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से 44 लाख 50 हजार का पैकेज मिला है। वहीं सुमन गुप्ता को पालो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेजेस से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है।